India's most trusted and fastest growing brand, Neon Battery. सिख समाज गुस्से में सवाल पूछ रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन? जी हां, ननकाना साहब में पहले गुरुद्वारे में पथराव और फिर सिख समाज के युवक की हत्या से सिख समाज बेहद गुस्से में है, जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून के डोईवाला में भी सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पथराव को लेकर सिख समाज काफी आक्रोश में है। डोईवाला में गुरुद्वारा सिंह सभा और डोईवाला में बीजेपी ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि ननकाना जैसी घटना निंदनीय है और मांग की गई कि भारत के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र भी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ सके। बहुत ही घिनौनी हरकत इस व्यक्ति द्वारा की गई ननकाना साहब में, इसकी भारत यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी पूरे विश्व में बहुत कड़ी आलोचना हो रही है। और इस तरह का जो कृत्य किया है उन्होंने, धार्मिक स्थान पर एक सांझे गुरु के लिए, गुरु नानक देव जी जिन्हें मुसलमान अपना पीर करके मानते हैं और हिंदुस्तान में हम लोग के जो आदि गुरु थे शब्द गुरु नानक देव जी, तो हम उन्हें पहले गुरु के रूप में मानते हैं। और उनका वो स्थान ननकाना साहिब में जिसमें इस तरह की ये घटना हुई, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश का अंदेशा लगता है। भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं गोपाल सिंह चावला जैसे लोग, पन्नू जैसे लोग, और जो शरण लिए हुए हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान को छिन्न भिन्न करने के लिए, हिंदुस्तान को खालिस्तान के नाम पे तोड़ने के लिए। मैं उन लोगों के मुंह पे ऐसा एक तमाचा आज के बात के माध्यम से मारना चाहता हूँ कि उस देश में रहकर जहाँ तुम भारत के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हो और भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। पाकिस्तान में श्री गुरुद्वारा ननकाना साहिब पे जो हमला किया गया, पथराव किया गया, और वहाँ पर हमारे एक जो कि पाठी जिनको ज्ञानी जी बोलते हैं उनकी हत्या कर दी गई, उनके तरफ हम पाकिस्तान में रहने वाले भाइयों की तरफ किसी भी तरह का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। कुल मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, सिख समाज बेहद गुस्से में। अब देखना होगा कि ननकाना साहब में जिस तरीके से वारदात हुई है उसके बाद केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। यही नहीं, जय भीम टीवी के लिए देहरादून के डोईवाला से संजय राठौर की रिपोर्ट।